गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकान जल्द ही लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे और जिसका काम बहुत तेजी से जारी है। वहीं मंगलोर कस्बे में भी इस योजना के तहत 540 मकानों के निर्माण तेज गति से चल रहा है। और एसके हिंदुस्तान एंड कंपनी के चेयरमैन सिराज खान के अनुसार योजना का सारा काम निपटा लिया गया है, साथ ही निर्माण गति में भी तेजी आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक सभी लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में हरिद्वार जनपद में बनने वाले सभी योजनाओं का शिलान्यास सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। चेयरमैन सिराज खान के अनुसार बनाए जा रहे मकानों में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी देख के लिए बेव कोस कंपनी के इंजीनियर पूरे निर्माण पर नजर टिकाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनियमितताएं ना हो। मंगलोर से राहुल सेनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ये योजना है, उसके तहत ये फ्लैट बन रहा है। ये G+3 बिल्डिंग बन रही है, G+3, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी आय 3 लाख से कम है और जो जिनके सिर पे छत नहीं है और वो लोग किराए पे रह रहे हैं सारी उम्र से। सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए सेंटर से आ रहे हैं इसकी सब्सिडी और 1 लाख रुपये स्टेट की सब्सिडी है, तो 2.5 लाख रुपए का लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है और उसमें 6 लाख रुपए का ही फ्लैट। और आपने देखा होगा कि जैसे कि आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से और माध्यम से भी यहाँ पर लोग देखने को आ रहे हैं, सब लोगों ने हमारी काम की गुणवत्ता में अच्छे हो रखे हैं और हम पूर्ण रूप से जो भी काम चल रहे हैं हम स्टेप बाय चले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉइल टेस्ट करवाया है जो कि मेन रहता है, और उसके बाद पानी का टेस्ट हो रहा है और बाकी जो और मटेरियल हमारा सीमेंट सैंड स्टील सबका हम जाँच करवाते।